पोहरी सामुदायिक भवन में भाजपा मंडल की कामकाजी बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य रूप से राज्य मंत्री दर्जा पूर्व विधायक नरेंद्र विरथरे, मंडल प्रभारी नरोत्तम रावत, पृथ्वीराज सिंह जादौन, शैलेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व विधायक नरेंद्र विरथरे, मंडल अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पित्त पुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। बैठक में मंडल अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को BLA 2 कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया, साथ ही आजीवन सहयोग दीदी को इकट्ठा करने पर जोर दिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। समीक्षा का कार्यक्रम है। पिछले बार जो हमने बूथ विस्तार योजना बनाई थी, वहाँ हमारा नीचे तक संगठन बना, कार्यकर्ता बने, उनका पुनरीक्षण है कि जो कार्यकर्ता बने थे वो अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसमें कुछ काम और नए जोड़े हैं, उनके कार्यकर्ताओं के नाम बढ़ाना है और आगे चुनाव की दृष्टि से 51% वोट हमको कैसे मिले, कैसे कैसे छोटे छोटे समाजों को जोड़ करके हम पार्टी का विस्तार करें, इस निमित्त ये बैठक रखी गई। विकास यात्रा के दौरान भाई साहब, जिस तरह से भाजपा के जो प्रतिनिधि पहुँचे हैं गाँव गाँव, उसका क्या कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, विस्तार जो विकास यात्रा, दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 वर्ष का काम था, तो 4 वर्ष हो गए थे, तो 4 वर्ष में हमने काम किया, कुछ रह गए नहीं रहे, कुछ कार्यकर्ताओं के रुके काम होंगे, कुछ जनसामान्य के ऐसे काम होंगे जो अधिकारी मक्कारी दे रहे होंगे, उन कामों को कराने और जो उद्घाटन हो गए थे उनका काम पूरा हुआ नहीं हुआ, कुछ काम घोषणा की थी तो उनका उद्घाटन हुआ शुरू हुआ नहीं, इस के लिए ये विकास यात्रा निकाली गई। पोहरी मंडल की बूथ विस्तार योजना 2.0 को लेकर यह बैठक यहाँ रखी गई है। इसमें आज हमारे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व विधायक पोहरी से नरेंद्र विरथरे जी मुख्य अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित कर रहे किया है। प्रदेश संगठन की यह मंशा है कि प्रत्येक बूथ पर हम 31 लोगों की टीम का गठन करेंगे, 20 हमारे उसमें कार्यकर्ता रहेंगे और 11 हमारे बूथ के पदाधिकारी रहेंगे, जिसमें हमने त्रिदेव नाम दिया है। प्रत्येक बूथ पर मंडल, प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और BLA, ये हमने त्रिदेव की संगठन के रूप में हम लोगों ने गठन किया है। और हमारे यहाँ मंडल से बूथ विस्तार योजना 2.0 को लेकर प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ से शक्ति केंद्रों के हमारे विस्तारक जाएंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह 10 दिन वहाँ संगठन के कार्य को करेंगे। 14 मार्च से 24 मार्च तक यह कार्य संपादित कर उसको मोबाइल में फीड किया जाएगा और प्रदेश कार्यालय को सम्मिलित, प्रदेश कार्यालय के लिए भेजा जाएगा।